नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए मॉड्यूल के बारे में, जो कि है फ्लोटिंग ब्लॉक। दोस्तों, फ्लोटिंग ब्लॉक, दोस्तों ये फंक्शनैलिटी आपने देखी होगी कई वेबसाइट में, जैसे कि कुछ सोशल मीडिया के आइकन्स या कोई कॉन्टैक्ट का आइकन, जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो वो उस पोजिशन पर ही रुक जाता है जो भी हमने सेट कर रखी होती है और पूरा पेज स्क्रॉल होता है। लेकिन जिस जो भी ब्लॉक या जो भी डिव हमने फ्लोटिंग करा रखी होती है तो वो उसी पोजीशन पे सेट रहती है। तो दोस्तों, ड्रूपल 7 में अपने हम इसको कैसे यूज़ करें, उसके लिए हम इसको सबसे पहले ये मॉड्यूल डाउनलोड कर लेंगे, जो कि मैंने डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में सेटअप किया हुआ है। आइए इसको इनेबल कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसकी फंक्शनलिटी कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले मॉड्यूल के पेज पर जाएंगे। इस देखिए, ये है फ्लोटिंग ब्लॉक, इसको हम लोग इनेबल कर लेंगे। सेव सेव कर लिया, देखिए ये सेव हो गया। इसके कॉन्फ़िगरेशन पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इस पर jQuery सेलेक्टर का यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसमें या तो क्लास यूज़ कर सकते हैं या तो डिव की आईडी, किसी की भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कुछ पैडिंग या टॉप बॉटम की, अगर आपकी पोजीशनिंग की इशू हो रही है तो वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम एक नया ब्लॉक ऐड कर लेंगे। उस ब्लॉक में हम लोग एक आइकन लेंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट का आइकन ले लेंगे। इसमें हम लोग कॉन्टैक्टर्स के नाम से इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। टाइटल ब्लॉक टाइटल हटा देते हैं, डिस्क्रिप्शन की रिकमेंड तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम लोग इमेज यूज़ करते हैं। इमेज यूज़ करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कॉन्टैक्ट टाइप का एक आइकन सेलेक्ट कर लिया। इसकी हम लोग क्या इमेज एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अभी सी के एडिटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें अभी अपलोडिंग का फंक्शनलिटी इनबिल्ड नहीं किया है, इसकी वजह से हम लोग इमेज अपलोड नहीं कर सकते। तो हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इमेज को, URL पाथ देखिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ओके, देखिए यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम लोग इसको साइड बार सेकेंड रीजन पर सेट कर देते हैं, किसी स्पेसिफिक पेज पे हम लोग सेट कर देते हैं इसको, जो कि मैंने एक अबाउट का पेज या आर्टिकल ऐड किया हुआ है, तो उसी पेज पे ये, अगर आप होम पेज पे भी सेट करना चाहते हैं तो ये होम पेज पे भी सेट हो जाएगा। आपको ये होम पेज का फ्रंट इस तरीके से कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर देना है, ठीक है। सेव कर देते हैं इसको, ठीक है। अब उस पेज पे चलते हैं, देखिए होम पेज पे हमारे, अभी देखते हैं इस पर आया कि नहीं आया, अभी कुछ इशू है शायद नहीं आया, देखते हैं क्या हुआ। ब्लॉक साइड बार कॉन्टैक्ट अस कॉन्फ़िगरेशन, लिस्टेड पेज, ठीक है, सब कुछ सही है। कैश क्लियर करके देखते हैं एक बार, तो ऐसा होता नहीं है।